गुड आफ्टरनून क्लास, जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 46 तक के क्वेश्चंस को देखा था, आज हम चैप्टर 47 से शुरू करेंगे। चैप्टर 47 का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग और कोडिंग इन दोनों का एक मिला जुला रूप है, जहां पर रोबोट्स को मनुष्य की ही तरह रिएक्ट करने का सिचुएशन संभालने का इन सब तरीके की प्रोग्रामिंग दी जाती है। अमेरिका में कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को बराबर एक नज़र से देखना शुरू किया और बताया कि जो रियल ह्यूमंस होते हैं उनका ब्रेन भी एक प्लांड एक्टिविटी ही करता है, एक प्लांड रिफ्लेक्स ही पैदा करता है। किसी चीज़ पर गुस्सा करना, किसी चीज़ पर खुशी जाहिर करना या किसी चीज़ पर रोना, किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को किसी खास तरीके से हैंडल करना, तो ये जो है ये ब्रेन के अंदर एक प्लांड एक्टिविटी होती है। अगर यही प्लांड एक्टिविटी अगर हम ह्यूमंस का सर्वे करें और यही प्लांट एक्टिविटी मशीन्स के अंदर डाल दें तो हम रोबोटिक्स के उस चरण पर पहुंच जाएंगे जिसे हम ह्यूमेनॉइड कहते हैं। और उन्होंने यही प्रोग्रामिंग, यही कोडिंग करने के बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कदम आगे बढ़ाया। हांगकांग की एक एजेंसी जिसका नाम हांसन रोबोटिक्स है, उसने इसी तर्ज पर सोफिया नाम के रोबोट को डेवलप किया। सोफिया जो है एक फीमेल रोबोट है जो कि ह्यूमेनॉइड है। उसके एक फेस एक्सप्रेशन से लेकर उसकी बात करने के तरीके तक बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है। सऊदी अरब ने उसे अपने यहाँ की नागरिकता यानी सिटीजनशिप दे रखी है। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉमन एग्जांपल जो है वो टेस्ला है। टेस्ला जो गाड़ियाँ बनाता है वो इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण करता है। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस होती हैं। यहाँ ना ही आपको ड्राइविंग करनी है, ना ही आपको गियर डालना है और ना ही कार को पार्क करना है। कार खुद ब खुद अपने रास्ते को तलाशती हुई, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए, ब्रेक लगाते हुए, क्लच लेते हुए, सारे काम खुद ही करते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। जो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज हैं वो एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म यानी चैटबॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। चैटबॉट मतलब चैट करने वाला रोबोट, यानी आप अपनी समस्या टाइप करेंगे और रोबोट आपकी समस्या के अनुसार ही आपको उसका सलूशन दे देगा। इन्हें हम चैटबॉट कहते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में, जो कि भारत में सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहां पर बेंगलुरु जैसे शहर में जो कि कर्नाटका में है, बेंगलुरु जैसे शहर में रोबोट जो है वो रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करने का काम करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी मशीन के अंदर कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको मापने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 47 है। आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले, नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जॉन मैकार्थी। एलेक्सा इज अ वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाई अलेक्सा में आप क्या कहते हैं सवाल जवाब कर सकते हैं, अलेक्सा से बात कर सकते हैं, वो एक चैट बॉट है ना, तो वो अमेजोन ने डेवलप किया है। सोफिया जो है वो ह्यूमेनॉइड है जिसको नागरिकता हासिल है सऊदी अरब की, सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। ह्यूमनाइड सोफिया वॉज डेवलप्ड बाई हांसन रोबोटिक्स, चाइना के हांगकांग शहर में हांसन रोबोटिक्स है, इसी ने सोफिया का निर्माण किया है। और सोफिया की बहन जॉयस का निर्माण अब पूरा होने वाला है। टेस्ला, आप जानते हैं कि टेस्ला एक कार की कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो कि एआई पे बेस्ड होती है। AI बेस्ड ऑटोमेटेड चैट सिस्टम, इसे चैटबॉट कहते हैं। AI इज द साइंस ऑफ ट्रेनिंग मशीन्स टू परफॉर्म ह्यूमन टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फाउंडेड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन द ईयर 1956। कंप्यूटर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकेडमिक स्थिति में लेके 1956 में आया गया, जब वो एक अलग पढ़ाई बनी, अलग डिसिप्लिन बना। पहला शहर भारत का, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू यूज रोबोट्स एज वेटर, बेंगलुरु कर्नाटक में। इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, ये देखिए दो तरीके की दो लाइब्रेरीज है वैसे जो इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है गूगल की तरफ से, उसका नाम है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो नाम की लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम एआई में करते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी डेवलप्ड बाई गूगल ब्रेन टीम,
लास्टली द डैश टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द मशीन्स एबिलिटी टू मैच ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। अब हम वहां ये चेक करते हैं कितना परसेंट इंटेलिजेंस इसका है मनुष्यों के हिसाब से, कंपेयर करते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। अगला हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 48, ये अंटार्कटिका के बारे में है। अंटार्कटिका आपको जैसा कि पता है कि सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, फिर आपका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट फिफ्थ नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका। अफ्रीका है सेकंड पे, अफ्रीका है थर्ड पे, शायद आपका साउथ अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तब आता है आपका अंटार्कटिका। तो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ है, ठीक। यहाँ पर पेड़ पाए ही नहीं जाते, अंटार्कटिका में कहीं भी एक भी पेड़ नहीं पाया जाता। पेड़ के स्थान पर यहाँ तीन चीजें होती हैं, एल्गी, लाइकेन और मॉसेस, यही तीन चीजें यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसलिए हाइपोथर्मिया का शिकार नहीं होते, ठंड से उनके शरीर में पैरालिसिस नहीं होता, ठीक है। पॉइंट ये कि इतनी ठंड पड़ती है, अरे इतनी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, -90 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर किया गया है अंटार्कटिका में। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज जो कि सॉलिड स्थिति में है और जो आपने निर्माण की है वो टिक नहीं सकती। मनुष्यों का बनाया हुआ कोई भी सामान इस टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर लोहे का कोई सामान लेके जाते हैं और ये सोचते हैं कि लोहे से हम इस जगह पर इस चीज से काम ले लेंगे, तो वो लोहा उस तापमान में किसी लकड़ी की तरह ऐसे आप उसको पिन करेंगे और वो टूट जाएगा। इस स्थिति का तापमान यहाँ पर नीचे गिरता है -90 डिग्री। आप सोच सकते हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है और -90 डिग्री बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो 89.2 जो है वो लोवेस्ट मेजरमेंट है। अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका की जो एक्सपीडिशन है पहली बार खोज जो है वो रशिया ने 1820 में की थी। 1820 में रशिया की एक्सपीडिशन से अंटार्कटिका के बारे में पता चला था। अंटार्कटिका इस धरती पर सबसे ठंडा स्थान है, कूलेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। अंटार्कटिका में ज्यादातर जो है वो लेबोरेटरीज हैं, साइंस लेबोरेटरीज हैं, जो अंटार्कटिका के बारे में हमें और जानकारियां प्राप्त करने में सहायक हैं, पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है कि जहां मनुष्यों का निवास हो, ठीक है। इंडिया की अपनी लेबोरेटरी जो है अंटार्कटिका में बहुत सालों से, कई मुझे लगता है कि 80 साल से वहां पर है। तो वो लंबे अरसे से इंडिया की जो है लेबोरेटरी जो है अंटार्कटिका में है, ऐसे ही 800 मेरे ख्याल से ज्यादा ही है, पर इंडिया मनुष्यों का कोई परमानेंट सेटलमेंट अंटार्कटिका में नहीं है, ठीक है। दूसरा, अंटार्कटिका जो है यहाँ पर आप मेट्राइट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों द्वारा इस क्षेत्र का पूरे तरीके से एक्सपीडिशन करना अभी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इस क्षेत्र में जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहते हैं और बहुत ठोस बर्फ यहाँ जमती है, जिस पर चलना और जाना दोनों खतरे से खाली नहीं है। तो कुछ क्या कहते हैं मेटियोर्स हैं जो धरती पर बहुत पहले डायनासोर्स के जमाने में गिरे थे, वो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। आपका अगला चैप्टर है यूरोप। यूरोप वाले चैप्टर में हम टूरिज्म के बारे में देखते हैं कि यूरोप जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सॉरी, मैंने शायद अफ्रीका का नाम लिया था, एशिया के बाद यूरोप ही है, एशिया के बाद यूरोप, फिर अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अमेरिका, तब ऑस्ट्रेलिया, तब आपका अंटार्कटिका। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इस्तांबुल और टर्की यहाँ के सबसे बड़े जो है वो शहर हैं। लार्जेस्ट लेक इन यूरोप इज लेक लडोगा, रशिया में है। फिर डनूबे, वोल्गा, लॉयर, राइन, थेम्स, एल्बे यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। रशिया इज द लार्जेस्ट एंड वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप। चैप्टर नंबर 49 में यूरोप के बारे में एक टूरिस्ट पैराडाइज की तरह दिया हुआ है कि कौन सा बड़ा शहर है, कौन सा छोटा। तो रशिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा शहर है और वेटिकन सिटी जो कि रोम में है वो सबसे छोटा शहर है यहाँ का, यूरोप सॉरी कंट्री है। यूरोप सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स, आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, मेडिटेरेनियन एंड कैस्पियन ब्लैक सी इन द साउथ एंड अटलांटिक इन द वेस्ट। माउंट एटना इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप, इट इज सिचुएटेड इन इटली।
हिस्टोरिकली मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एम्पायर्स लाइक रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर एक्सेट्रा वेर फाउंडेड इन यूरोपियन लैंड। चैप्टर नंबर 50 आपका है इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में दुनिया की। ये जानकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि दुनिया की नंबर वन जो एजेंसीज हैं उसमें क्या कहते हैं टॉप 10 में भारत का नाम है। ठीक है, टॉप 10 में है, टॉप 3 में है। सबसे बढ़िया जो दुनिया की सबसे ड्रेडेड एजेंसी है उसमें सबसे पहला नाम अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का आता है, दूसरे नंबर पर इसराइल की मोसाद और तीसरे पर आती है इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। ये दुनिया की तीन सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती हैं इंटेलिजेंस सर्विस के नाम पर। यहाँ रॉ के एजेंट्स जो है वो पूरे विश्व में अपने क्या कहते हैं कोडेड वर्क के लिए जाने जाते हैं, अंडरकवर क्या कहते हैं काम के लिए जाने जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और तो अमेरिका जो है इसमें सबसे ऊपर है, उसके बाद इसराइल की मोसाद, फिर भारत आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फिर भी हम कंट्री वाइज जो है सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखेंगे। सबसे पहले MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सर्विस, ये कम्युनिज्म का झंडा बीच में लगा हुआ है यहाँ पर, ये झंडा जो है ये चाइना का है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विसेज MSS जो है वो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरे पर है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, ये ऑस्ट्रेलिया की है। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस CSIS कनाडा की है। DGSE जो है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये आपके फ्रांस की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ आप जानते हैं इसे, ये इंडिया की है। BND ये जर्मनी की है। उसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी USA की, अमेरिका की। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो है इसका नाम MI6 भी है। MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, ये यूनाइटेड किंगडम की क्या कहते हैं सीक्रेट सर्विस है। उसके बाद पाकिस्तान की ISI है और लास्ट में इसराइल की नंबर वन मोसाद। चैप्टर नंबर 51 में हम हॉली प्लेसेस के बारे में जानेंगे, हॉली प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। देखिए दुनिया में कई सारे धर्म हैं और हर धर्म का अपना एक केंद्र है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जहां से कई सारे धर्मों का उद्भव और विकास हुआ, उसमें से एक है आपका जेरूसलम। जेरूसलम तीन धर्मों का केंद्र है जो कि आपके इसराइल में है। जेरूसलम इसराइल में है, जेरूसलम तीन धर्मों का केंद्र है। यहां पर यहूदियों की वेस्टर्न वॉल और क्रिश्चियंस का डोम ऑफ रॉक और मुसलमानों का अल अक्सा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ अल अक्सा, ये तीनों चीजें यहाँ जेरूसलम में मौजूद हैं। तो जेरूसलम तीन धर्मों का केंद्र है और यहाँ पर पीस रखा जाता है, अमन रखा जाता है कि कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पर यात्रा कर सकता है, पर आप जेरूसलम में या इसराइल में नागरिकता नहीं ले सकते कि आप चाहें वहां बसना। इसराइल और जेरूसलम में केवल और केवल यहूदियों को बसने की परमिशन है, उसके अलावा किसी भी जाति धर्म और किसी भी देश के लोगों को वहां बसने का आपको वहां राइट नहीं है। तो तीन धर्मों का केंद्र आपका पहला सवाल है। लोकेटेड इन मॉडर्न डे इसराइल, दिस सिटी इज कंसिडर्ड एज मेनी बाई वन ऑफ द हॉलीस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ब्लेस्ड विद एन एक्सटेंडेड सीरीज ऑफ डायनेस्टीज एंड स्टेट, दिस हॉली सिटी हैज बीन गवर्न्ड बोथ बाई प्रोविंशियल टाउन्स एंड नेशनल कैपिटल। Interestingly, the old city is the home of many sites of anti-influential religious monuments, such as Temple Mount with its western wall, the Church of Holy Sculpture in the Dome of Rock, and the Al-Aqsa Mosque, and there is the Garden of Tom. Garden Tom. ये आपका जेरूसलम है। दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद ने सऊदी अरब से क्या कहते हैं इस्लाम का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उनका जो धार्मिक केंद्र था वो मक्का था। आज भी हज करने के लिए लोग मक्का जाते हैं। तो दूसरा सवाल आपका है, वो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस धर्म को फॉलो किया, फाउंड किया और इसका नाम रखा इस्लाम, जिसका मतलब होता है सरेंडर करना, ऊपर वाले की इच्छा के सामने स्वयं का समर्पण ही इस्लाम है। तो और इस्लाम को फॉलो करने वालों का नाम रखा उन्होंने मुसलमान, जिसका ईमान जो है पत्थर की तरह मजबूत है, मुसल्लम ईमान।
उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने इस सिटी का नाम रखा मक्का, पवित्र स्थान मक्का। यहाँ पर हज की यात्रा होती है। अ सिटी स्टेट सराउंडेड बाई रोम, दिस सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, इट इज सेक्रिटोरियल मोनार्किकल स्टेट रूल्ड बाई द पोप। यहाँ पोप जो है राजा के समान राज करता है। ये शहर जो है वो रोम में है, पवित्र स्थान, हॉली रोमन एम्पायर का हॉली रोमन प्लेस। ये है आपका वेटिकन सिटी, पोप का घर, पोप का क्या कहते हैं राज्य। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर, लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये शहर है, और यहीं पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो ये उन्हीं के नाम पर ये स्थान है, इसका नाम है ननकाना साहिब। अगला सवाल है, कंबोडिया में ये आपका मंदिर है। कंबोडिया के बारे में हमने क्या कहते हैं, शायद अगर आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर चोल राजाओं ने काफी मंदिरों का निर्माण करवाया था, राज राजेंद्र प्रथम ने। तो ये अंगकोरवट के मंदिर हैं, जो भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर हैं, जिनका निर्माण कंबोडिया में कराया गया है। अगला सवाल है आपका, इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द साउथ ईस्ट एशिया एवरी ईयर। ये आपका है, ये आपका है परम्बन टेम्पल। ये क्या कहते हैं, कासाब्लांका में है, इकोनॉमिक कैपिटल है जो कि मोरक्को का। यहाँ पर ये मॉस्क्यू बना हुआ है, ये हसन द्वितीय का मॉस्क्यू, हसन सेकंड का मॉस्क्यू है, ये आपका बना हुआ है मोरक्को में, कासाब्लांका में। और लास्टली नेपाल में आपका पड़ता है लुम्बिनी, जहाँ पर लुम्बिनी में जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, तो वो यहाँ के राजकुमार थे। उन्होंने राजा के पद का परित्याग किया और स्वयं को सन्यासी बनाया, और इस तरीके से बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। प्रोमिनेंट लीडर्स में आइए, चैप्टर नंबर 53। सबसे पहले ये यूएसए के पहले प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका में जब क्रांति हुई तो उस समय ये जो है कमांडर इन चीफ थे। इनका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन, इसी के इन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है अमेरिका की। अगली हैं वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन की पहली, उनका नाम क्या कहते हैं, शी रिमेंड इन ऑफिस फॉर नियरली 11 ईयर्स। एंड वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजिशन इन द होल यूरोप ऑन अमेरिका, शी इज ऑफन कॉल्ड द आयरन लेडी। इनका नाम है मार्गरेट थैचर। द मैन हैड इनविजेंड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज उठाई कि ब्लैक्स और वाइट्स अगर अलग अलग रहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर केवल अमेरिकन वाइट अमेरिकन ही बचेंगे, ब्लैक्स जो है हमेशा के लिए दासत्व ग्रहण कर लेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये साउथ अफ्रीका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट। दूसरा, ये क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इनकी किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत रत्न 1990 और 1993 में नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाले नेल्सन मंडेला की। ही शी इज अ 17-year-old इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट फ्रॉम स्वीडन हु हैड रेज्ड हर वॉइस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एट मेनी पब्लिक एंड पोलिटिकल स्टेजेस। इनका नाम है ग्रेटा टिंटिन थोबर्न, थॉनबर्ग, थोबर्न, ग्रेटा थनबर्ग, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा टिंटिन थनबर्ग। इन्होंने क्या कहते हैं स्वीडन से आवाज उठाई इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में, और इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल स्टेजेस को अंजाम दिया है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन्हें क्या कहते हैं कई बार जो है अपनी वॉइस को आगे रखने के लिए विश्व में अपनी बात को विश्व वैश्विक मंच पर रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन्हें आमंत्रित किया गया था। इन्होंने नोबल पीस प्राइज नॉमिनेशन जो है वहाँ पर इनका नाम जो है 2 बार दिया गया था। शी इज एन अमेरिकन लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन। शी हैड सर्व्ड एज यूएस सीनेटर फ्रॉम 2001 to 2009 एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम 2013। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ बराक ओबामा शी ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट लेडी व्हेन शी हर हस्बैंड बिल क्लिंटन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, बराक ओबामा के समय में जब हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है विदेश मंत्री। हिलेरी क्लिंटन जो है बराक ओबामा के समय में विदेश मंत्री थी, और इनके पति जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तभी फर्स्ट लेडी हुआ करती थी अमेरिका की। इनका नाम हिलेरी क्लिंटन।
चैप्टर नंबर 54 में हम मैड मेड वंडर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आपका है रियो डी जेनेरो ब्राजील में क्राइस्ट का ये स्टैचू है 28 मीटर का। इसका नाम स्टैचू का है क्राइस्ट द रिडीमर। दूसरा जो स्टैचू है वो अगस्टे रॉडिन ने बनाया था। इसका नाम रखा गया है द थिंकर। अगस्टे रॉडिन जो है अपने ह्यूमन लाइक इमोशंस के साथ स्टैचू बनाने के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा आपका है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों का विलय भारत के यूनियन में, भारत के संघ में किया करके भारत को एक एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना से मजबूत किया था। इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उन्होंने ये स्टैचू जो है, भारत ने अभी रिसेंटली इसका निर्माण गुजरात में किया है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। दिस ब्रोंज स्टैचू इज लोकेटेड मोर देन 35 मीटर्स अंडर द मेडिटेरेनियन सी। इट आर्म्स आर रेस्ड अपवर्ड साइन ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ द स्टैचू मैन मेड बाई Guido Galletti।